हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब फ्रेंड कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड अच्छे ही होंगे। आज है नंद उत्सव और सुबह से देखिए तेज बारिश हो रहा है और मेरा भोग का बर्तन भी घिस के हो गया। अभी पूजा का बर्तन भी घिस के पोछ के रख रही हूँ और पूजा का बर्तन धोने के लिए मुझे बहुत ही कंटा लगता है। आज तो सबका घर पे उत्सव मना रहे, मेरा जितना सारा फ्रेंड्स है सबका घर पे और देवर का भी घर पे, बाकी ननद का घर पे कल हो गया है, कल गया भी था। और मेरा तो भी इतना थोड़ा सा क्या बोलूँ, सर्दी और बुखार जैसा फील हो रहा है। तो अब पूजा है ना, तो वो जोश में सब कुछ कर भी रही हूँ, नहीं तो ऐसा लगता है डॉक्टर के पास जाके दवाई खा के लेट जाओ। तो वैसे भी मेरा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं और बच्चे लोग भी कर रहे हैं और मेरा फ्रेंड भी आएगा। तो दोपहर का खाना तो बना के हो गया, वो खा भी लिया है, वो लोग खा लिया है। और अभी मैं लड्डू ना दो बना के दिखा रही हूँ, बाकी निशा और बिट्टू बनाएगा। और ये मैं शक्कर से ही बनाया है, ऐसा लग रहा है गुड़ से बनाया है, ये देखिए। और अभी झूला भी ऑलमोस्ट सजा के हो गया है, सिंपल ही सजाया लेकिन बहुत अच्छे से सजाया है निशा ने, ये देखिए। तो अभी तो झूला भी सजा के हो गया है, अभी मैं भोग के लिए सब बना के रखूँगी। सिर्फ तो सेवैया का खीरी बनाया है, तो मेरा फ्रेंड आया है, वो पूरी के लिए आटा गूँ रहे और मालपुआ के लिए, और मैं बना रही हूँ तालगुला का बोड़ा। तो जीजा जी, छोटा जीजा जी गाँव गया था, तो घर से तालगुला का जो पापड़ है वो बनाया था, वो लेके आया और ये खाने में बहुत टेस्टी है और मेरा गोपाल को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सब तो बना के हो गया, अभी पांच टाइप का फ्राई बना रही, उसके बाद ना मेरा फ्रेंड ना मालपुआ बनाएगा। और ये देखिए मेरा भोग का मतलब घर में जितना सारा भोग बनाएगा बना के हो भी गया है, मालपुआ, तलगुला का बड़ा, सेवैया का खीर, आलू का सब्जी और पनीर का कड़ी। आलू का सब्जी और पनीर का कड़ी मेरा हस्बैंड ने बनाया है, ये देखिए बहुत ही मस्त बना है। और पांच टाइप का फ्राई बनाया है, परवल, आलू, बीन्स, केला और पम्पकिन। नहाने के बाद श्रृंगार करने के लिए जो जो सामान लगेगा मैं थाली में सजा के रख दिया है, ये देखिए। और आज मेरा लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर लगेगा। पूरा वीडियो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा गाना चल रहा है, आवाज़ आ रहा है। और चलिए, मेरा श्रृंगार का थाली तो रेडी हो गया, अभी स्वीट्स वगैरह रेडी करके रखती हूँ। बाकी फ्रूट्स मैं बाद में काटूंगी क्योंकि एक जगह पे जाना है, एक फ्रेंड का घर पे जाना है। पहले तो मना कर दिया था नहीं जाऊंगी, फिर सोचा नहीं जाके आती हूँ, एक फ्रेंड का घर पे तो जाके आती हूँ। बाकी देखती हूँ, टाइम मिलेगा तो देवरानी का घर पे जाऊंगी। मैं थोड़ा बहुत ही आप लोग को दिखाया है, बाकी जब भोग लगाऊंगी तब एक झलक दिखा दूंगी। और मैं अभी सस्ती बना रही हूँ, तो मुझे अभी ये कंप्लीट करने के बाद रेडी होके जाना भी है। मैं ना मीशो से एक पीकॉक वाला दिया लिया है, वही पानी के बीच में रखूँगी। और मेरे पास थोड़ा सा बड़ा प्लेट नहीं है तो छोटा ही रख दूँ, डर लग रहा है गिर ना जाए, तो अच्छे से सेट करके रख दिया है। क्योंकि ये पीकॉक का दिया ना थोड़ा वजन ही है, तो अच्छे से रख दिया है। तो जला के एक झलक आप लोग को दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत ही क्यूट है। दिया तो लगा दिया, बाकी मैं अभी रेडी होके ना फ्रेंड का घर पे जाना है। और चलिए, चार बजे से तो मटकी तोड़ने के लिए सब लोग आ रहे लेकिन तोड़ ही नहीं पाया, और अभी आठ बज रहे हैं, कितना लोग जमा हो गया देखिए। और चार बजे से ना बीच बीच में थोड़ा टाइम के लिए बारिश बंद भी हो रहा है, और सच पूछिएगा बहुत अच्छा लगता है। और मेरा बालकनी से दिखता भी है जब मटकी फूटते,
तो अभी तो मैं खड़ा होके देख भी नहीं पाऊँगी क्योंकि फ्रेंड का घर पे जाना भी है। और मैं ना फ्रेंड का घर से जाके आ गई, आप लोग को साथ शेयर नहीं किया है। और मैं तो कुछ खाया नहीं है क्योंकि उपवास है। मेरा हस्बैंड थोड़ा प्रसाद लेके आया है, बाकी खाने का बंदोबस्त भी था उनका घर पे, खाया नहीं है। और मैं थोड़ा बहुत ही फ्रूट कर रही हूँ क्योंकि वो लोग ना 2-3 जगह से पूजा अटेंड करके आ रहे हैं। इतना तो मतलब मीठा चीज़ ज़्यादा खाने के लिए किसी को होता भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही खाएंगे, बाकी तो खाना तो खा के जाएंगे। तो मैं तो 11 बजे अभिषेक करेगा सोच के रखा है, अभी फ्रेंड टाइम पे आ जाएगा तो करूँगी। तो शायद पहली बार मेरा फ्रेंड गोपाल का अभिषेक करेंगे तो उसके लिए इंतजार तो करूँगी। और भोग तो सब लगा दिया है, निशाना नज़दीक से निकला ही नहीं है तो सॉरी आप लोग को दिखा नहीं पाया है। तो अभी लड्डू गोपाल को अभिषेक करूँगी। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभिषेक तो करके हो गया है, अभी नहलाऊंगी, फ्रेश पानी से नहलाऊंगी और पंचामृत से दोनों गोपाल देखिए। और मेरा अच्छे से पानी से भी नहला के हो गया है, अभी श्रृंगार करूंगी। तो मेरा फ्रेंड गोपू को सजा रहे और मैं माधव को, बहुत ही सुंदर लग रहे, सच पूछिएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे माधव। माधव को तो अच्छा अच्छा मतलब सजाने का चीज़ मिल जाते हैं, उसका पायल तो बहुत मस्त है। गोपू का मिलता ही नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटा है गोपू। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब से तुझ संग नैना लगे और कहीं ना लगे, और कहीं ना लगे, दर्श के प्यासे मोरी नैना, दिन रे ना है जगे, दिन रे ना है जगे। अब कर कान्हा नैना के प्यास बुझा दो मोरे कान्हा, अब तो दर्श दिखा दो कान्हा कान्हा। कब से
पुकारूं हर पल तोरी राह निहारूं, बीत जाए अपनी उमरिया अब तो दर्श दिखा दो मोरे कान्हा, अब तो दर्श दिखा दो। पूजा ना बहुत अच्छे से हुआ है और हम लोग सब लोग मिल के भजन भी किया है, और मैं जो भगवान के लिए भोग बनाया था वो तो आप लोग के साथ शेयर किया है, बाकी स्वीट्स वगैरह था और फ्रूट ड्राई फ्रूट्स वगैरह था वो तो आप लोग के साथ शेयर नहीं किया, बहुत सारा आइटम था। जब मैं भोग लगाया था भगवान के लिए उस टाइम पे शूट नहीं किया है, भूल ही गया, क्योंकि सुबह से इतना काम था दिमाग से ना आउट ही हो गया था, और 11 बजे मुझे अभिषेक करने का था, वो भागम दौड़ में ना भूल ही गई। तो चलिए अच्छा से पूजा तो हो गया है, और अभी अभी वो लोग खाना खा के गया है, अभी तो 2 बजने को आया है, तो चलिए थोड़ा बहुत काम है वो कर लेंगी, उसके बाद सोने के लिए जाऊंगी। लड्डू गोपाल को भी शयन देना है, तो चलिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना। अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।